हेलो फ्रेंड्स, कई बार हमें इनवॉइस पे डेट एंड टाइम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैंने एक इनवॉइस ओपन किया है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डेट और टाइम जो है इनवॉइस पे हमारे प्रिंट होके आ रहा है। अगर आप भी चाहते हो अपने इनवॉइस पे डेट और टाइम को प्रिंट करना, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी टैली को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने टैली जो है अपनी ओपन करी हुई है, तो मैं उसको यहाँ पे मिनिमाइज करके रखा हुआ था, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली पे ही प्रिंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे की साइड कन्फिग्रेशन पर आना है आपने और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे शो मोर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करना है और नीचे की साइड जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो डेट एंड टाइम ऑफ वाउचर प्रिंटिंग। तो इस पर आपने आके एंटर प्रेस करना है। ये पहले से आपका नो होगा तो इसको आपने यस कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो सारे के सारे जितने भी प्रिंट आपके बिल के निकलते हैं उन सब पे आपकी डेट एंड टाइम आए, तो आपने नीचे वाले ऑप्शन को जो है यहाँ से यस कर देना है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे जितने भी इनवॉइस के प्रिंट निकलते हैं तो सब पे मेरा जो है डेट एंड टाइम आए, तो मैं इस वाले ऑप्शन को नीचे से जो है यस कर दूंगा। तो मैं नीचे आता हूँ और यस करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर देना है जिससे ये सेव हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं डिस्प्ले में, अकाउंटिंग बुक्स में। उसके बाद यहाँ पे मैं सेल रजिस्टर अपना ओपन कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक इनवॉइस बनाया हुआ है, इस पर मैं आके एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल पी प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद F4 से आपने जूम कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा आपकी डेट और टाइम जो है यहाँ पे, जब भी आपने इनवॉइस बनाया है या फिर आप उसका प्रिंट दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको वो डेट और टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप डेट और टाइम इनवॉइस पे दिखाना नहीं चाहते हो, तो जो ऑप्शन आपने वहाँ पे यस किया था वो ऑप्शन आपने सिंपली नो कर देना है।